महाराज जी भूतों की बात चल रही थी तो एक मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है मेहंदीपुर बालाजी और वहाँ की कुछ चीज़ें हैं जो कि लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग भी होती हैं पर जब हम आप जैसे आपसे मैं बात करूँगा आपके लिए तो बड़ी आम चीज़ होगी कि ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है वहाँ पर ये कहा जाता है कि स्पिरिट्स होती हैं भूत भी होते हैं और वहाँ ऐसा भी मैंने सुना है कि कहा जाता है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए साथ में खाना है प्रसाद है वो लेकर नहीं जाना चाहिए तो क्या इस मंदिर की ये कहानी क्या है और ये ये जो भूत है वहां कई लोग कहते हैं कि जाते हैं तो किसी को अगर कहते हैं माता चढ़ी होती है या भूत चढ़ा भी लग खेलने लग जाते हैं खेलने लग जाते हैं कुछ ऐसा पागल पंसा होता है तो क्या इसका मतलब यह है कि उस हनुमान जी के मंदिर में भी भूत है देखिए मान्यता ये है कि भाई हनुमान जी के मेहंदीपुर बालाजी कोई जाता है तो उसके भीतर जो वो होता है वो सब उस समय खेलने लग जाते हैं सामने आ जाते भूत भूत लोग जो है अंदर अच्छा। से उनके अच्छा। कि भाई वो हनुमान जी की शक्ति के सामने जाकर के जो भी उनके ऊपर आ जाता है बोलने लग जाते तो मैं आपको बताऊं मेहंदीपुर बालाजी की ये मान्यता है कि भाई भूतों की वहां पर संकटों से व्यक्ति की रक्षा होती है संकट बोलते हैं इनको भी संकट ही बोलते हैं अच्छा। कि भाई इसके ऊपर संकट है तो मैं ये कहता हूं भाई अगर मेहंदीपुर बालाजी का ये रूल है तो फॉलो करो भाई कि भाई वहां से कुछ लाना नहीं खाना नहीं मुड़ के नहीं देखना अब इस बात पे मैं कुछ टिप्पणी करूं तो ये तो वहां के संतों ने मेहनतों ने जो रूल बनाए हैं वहां के हो सकता है जिनको ये प्रॉब्लम्स हो तो ये रूल फॉलो अगर करने के लिए कहा है तो करना चाहिए मैं इस पर कोई बिना मतलब की टिप्पणी नहीं कर सकता आपने खुद महसूस किया कुछ इस बारे में कि आपने कुछ देखा आप खुद अगर मंदिर गए तो आपने कुछ ऐसा अनुभव किया हो कि यार कुछ नेगेटिव अनुभव जहां है भी मंदिर में जाता हूँ कभी मैं वहां सात्विकता को बहुत प्रणाम करता हूँ मुझे हनुमान जी के वो विकराल से स्वरूप भी अच्छे नहीं लगते अच्छा क्यों सत्य बता रहा हूँ क्यों क्योंकि हनुमान जी तो राम नाम जपते है बैठ इसलिए जो आपको आज रूप देने के लिए हम लाए वही लाए वो जिम्मेदारी बापू जी की उपज है मुझे तो मेरा हनुमान चाहिए राम जपता हुआ जहां जहां सात्विक हनुमान जी का दर्शन होता है ना मैं वहां बहुत प्रणाम कर लेता हूं मैं सत्य बताऊं किसी मंदिर में बहुत भीड़ हो तो मैं नहीं जाता अंदर बाहर से ही माथा टेक लेता हूं जहां मुझे लगे पिच हो रही है घुचपुच हो रही है भाई बड़ा भीड़ सीड़ है नहीं बाहर से पढ़ाओ प्रैक्टिकल रहता हूं मेरे लिए मैं रोज मंदिर जाता हूं मेरे घर के पास में मंदिर है मेरे लिए उतना ही वो मंदिर के हनुमान जी हैं और उतना ही मेहंदीपुर के हनुमान जी हैं उतना ही सालासर के हनुमान जी हैं उतना ही हनुमानगढ़ी के हनुमान जी हैं उतने ही अपने मरघट वाले बाबा है उतना ही अपना कनाड प्लेस के हनुमान जी हैं हनुमान जी एक है सब जगह सब रूप से विद्यमान है हाँ इतना जरूरत सेवा का फर्क होता है मतलब स्थानों पर जो सेवा होती है जैसे मैं कहता हूँ कि कुछ लोग भाई हर महीने मेहंदीपुर जाते हैं साला सर जाते हैं जाओ लेकिन अपने घर के आसपास के मंदिरों में भी तो जाओ हमारे <laughs> घर के आसपास के मंदिर सूने पड़े हैं खाली पड़े हैं और साला सर में लाइन नहीं टूट रही मेहंदीपुर में लाइन नहीं टूट रही कहाँ से आए भाई दिल्ली से आए जाओ जरूर जाओ लेकिन जो दिल्ली वाले अपने आस के मंदिरों में तो जाओ वहां भी हनुमान जी को प्रणाम करके देखो